दुनिया में कुछ ऐसी खतरनाक चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं और बुरे कामों के लिए भी। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसका यूज आप अच्छे कामों के लिए यानी सिविलियन पर्पस के लिए कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करो, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप इलेक्ट्रिसिटी ईजिली बना सकते हो। लेकिन वही इसी टेक्नोलॉजी का यूज आप न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए कर सकते हो, जिसका यूज दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए होगा। तो एक सिविलियन यूज है, एक मिलिट्री यूज है। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जिनके ऐसे दोनों यूज हो सकते हैं, उन्हें कहा जाता है ड्यूअल यूज गुड्स एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज। अब ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी कोई भी चीज अगर गलत पर्सन के हाथ में लगे, किसी गलत ऑर्गेनाइजेशन, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए, तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और ये बात पूरी दुनिया को पता है, इसलिए जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, उसे रेगुलेट किया जाए। अब रिसेंटली, क्योंकि हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसमें रशिया एक साइड है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के सपोर्ट में पूरा यूरोप, यूरोपियन यूनियन और आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, स्पेसिफिकली यूएसए, ये लोग खड़े हैं। और यूएसए और यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहा है कि रशिया को कोई ऐसे ड्यूअल यूज गुड्स और टेक्नोलॉजीज ना बेचे। अब इसी बीच नाम आ गया एक इंडियन कंपनी का। कहा जा रहा था कि एक इंडियन कंपनी रशिया के साथ डील कर रही है और ऐसी चीजें बेच भी रही है। इस वजह से गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया की है, उनके ऊपर काफी प्रेशर बनाया गया। तो आज के टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को चेक कर रही है, वेरीफाई कर रही है क्या सही में ऐसा हो रहा है। अब ऐसे जो ड्यूअल यूज गुड्स होते हैं, ये मैंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो एक एग्जांपल दिया आपकी यूरेनियम का, जो दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसके देख सकते हो। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का यूज आप वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए कर सकते हो, ये सिविलियन यूज हो गया। दूसरा होता है आप क्लोरीन गैस का यूज कर सकते हो एज अ बॉम्ब। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने काफी सुना था कि केमिकल वेपन्स यूज किए जा रहे हैं जिसमें क्लोरीन गैस काफी आगे था। दूसरा आप यूज कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप आजकल देखते हो मोबाइल फोन में भी आने लगा है कि कैमरा रिकॉग्नाइज कर सकता है आपके फेस को। अब ये फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एआई का यूज करके आपने जो बनाया, वैसे तो नॉर्मल यूज अच्छा है, लेकिन उसी का चाइना में हम देख रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है लोगों के ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए। तो लोगों की प्राइवेसी का क्या, उनके कोई राइट्स नहीं है क्या, मिसयूज हो रहा है। फिर आप देखो वैक्सीन्स वगैरह, जहां पर आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हो, वैक्सीन्स डेवलप करके आप अपने आप को दूसरे डिसीजेस से बचा लेते हो, जैसे कोरोना के लिए आपने वैक्सीन बनाई, लेकिन ऐसी ही बायोटेक्नोलॉजी का यूज बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी किया जाता है। कई बार कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो आया था वो आया नहीं, एक्चुअली चाइना ने जानबूझकर भेजा था। अब ये कॉन्स्पिरेसी थियोरी कितनी सही है हमें नहीं पता, लेकिन इसका टेररिस्ट यूज कर सकते हैं, ये भी बात समझ आती है। फिर ड्रोन्स के बारे में तो हमने बार बार सुना है, ड्रोन्स तो नॉर्मली आप फोटोग्राफी में भी यूज कर सकते हो, वीडियोस बनाने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन मिलिट्री वाले लोग भी इसे यूज करते हैं। और कई बार तो हमने न्यूज में सुना कि ड्रोन्स का यूज टेररिस्ट को आपकी जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके दूसरी जगह भेजने के लिए यूज किया जा रहा है। फिर आप देखो सैटेलाइट्स, सैटेलाइट हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, उसी सैटेलाइट का यूज आप पर सर्वेलेंस के लिए भी किया जा सकता है, अमेरिका ऑलरेडी करता भी है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ड्यूअल यूज गुड्स हैं, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इस केस में इस चीज को जब भी रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी बाय एनी गवर्नमेंट, उनको कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगी। जैसे पहला तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का एक्चुअली एंड में क्या यूज होने वाला है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज आपके काम की है। तो जैसे अगर सिलिकॉन आप ले लो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लो, सिलिकॉन तो आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में लगता है, पर इस सिलिकॉन का यूज आपके वेपन्स बनाने में भी हो सकता है। तो कहां पर यूज हो रहा है इसका पता कैसे लगाओगे, बहुत मुश्किल है। फिर आपने अगर इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स लॉज अपने कंट्री में बना लिए, तो आप देखो ऐसी चीजों का नॉर्मल यूज भी है। तो जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, जिसको इसका यूज है,
उसको इस कॉम्प्लिकेटेड आपके लॉज से गुजरना होगा, और इस वजह से जो आपके कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी जो बिजनेस करने के लिए जो इकोसिस्टम बनना चाहिए वो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, और हर बिजनेसमैन की तरफ गवर्नमेंट एक सस्पिशन से देखेगी कि कहीं ना कहीं ये गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, तो कैसे आपके यहाँ बिजनेसेस आगे जाएंगी। फिर बात आ जाती है टेक्नोलॉजी की। आपने एक चीज, कोई एक टेक्नोलॉजी पे आपने पाबंदी लगाई, रेगुलेशन लगाया, नया लॉ लेके आए, इंटरनेशनली ट्रीटी करी, सब किया, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी जैसी है वैसी रहती है? हम देखते हैं हर 5-10 सालों में टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, वो आगे के लेवल पे पहुंच जाती है। तो ये जो चेंजेस है उसके साथ साथ आपके लॉज भी चेंज होने चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट। फिर आप देख लो जो ग्लोबल सप्लाई चेन बनी हुई है, सप्लाई चेन मतलब आप देख लो कोई चीज बनती चाइना में है, फिर उसकी असेंबली इंडिया में हो रही है, वो बेची जा रही कहीं और। तो अगर कोई प्रोडक्ट इस तरीके से घूम फिर के जा रहा है तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट कहां से शुरू हुआ, कहां पहुंचा और उसका एंड में क्या यूज हुआ है? सो वेरी डिफिकल्ट। हालांकि फिर भी दुनिया की गवर्नमेंट्स साथ में आकर उन्होंने कोशिश करी है ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज पे कंट्रोल लाने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1970 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी। ये स्पेसिफिकली जो आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर रहा था। हुआ ये कि 5 कंट्रीज के पास इस टाइम पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने डेवलप कर रखे थे। इन्होंने तय किया कि हमारे बाद अब और कोई इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप नहीं करेगा, सिर्फ हमारे पास रहेगा। तो इन्होंने इस प्रोलिफरेशन की प्रोसेस को रोक दिया। साथ साथ ये भी कहा कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है वो भी कोशिश करेंगे कि उससे खत्म कर दे, दुनिया में न्यूक्लियर वेपन हो ही नहीं। ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये हुआ नहीं। तीसरा, इन्होंने कहा अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज करनी ही है तो आप पीसफुल पर्पस के लिए करो, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए यूज करो, वेपन्स नहीं बनाने हैं। तो अच्छी ट्रीटी लग रही है, लेकिन थोड़ा डिस्क्रिमिनेट कर रही है, क्योंकि जो 5 कंट्रीज के पास ये था उनके पास तो जैसा का वैसा रखा है, बाकियों को रोक दिया। तो इंडिया जैसी कंट्री ने कभी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। इसके बाद दूसरी ट्रीटी होती है 1975 में, जिसका नाम है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो एक ग्रुप फॉर्म किया, इन्होंने कहा कि जिन्होंने ये जो एनपीटी है वो साइन की है वही इसी का हिस्सा बन सकते हैं, और इस ग्रुप में वो लोग हैं जिनको हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी चीज, यूरेनियम वगैरह, वो बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इसका हिस्सा नहीं है उनको ये चीजें नहीं मिलेगी। तो इंडिया ना इसका मेंबर है ना इसका मेंबर है। इसके बाद 1985 में हम देखते हैं आपका बना ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना था, कुछ उसी तरीके का ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, लेकिन न्यूक्लियर के लिए नहीं, ये बना है आपके केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के लिए। तो उसके रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने होंगे वो सारा काम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप करता है, इसका इंडिया मेंबर है। इसके बाद 1987 में बना है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। तो जो भी मिसाइल्स होते हैं, हम देख रहे हैं मिसाइल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो सबने सोचा कि हम मिसाइल्स को कंट्रोल करेंगे। तो मिसाइल ज्यादा बड़े नहीं, नंबर्स और कितना कम कर सकते हैं उस पर ये ग्रुप काम कर रहा है, और इंडिया इसका भी मेंबर है। उसके बाद 1996 में वासेनार अरेंजमेंट। अब ये वासेनार अरेंजमेंट स्पेसिफिकली कहता है कि जो भी नॉर्मल वेपन्स आप सबके पास है, नॉर्मल बंदूकें, टैंक, जो भी कन्वेंशनल वेपन्स है, हम उसको भी अब कंट्रोल करेंगे, वो भी किसी भी कंट्री को ऐसे बेचा नहीं जाना चाहिए, जितना हो सकता है कम करेंगे, और साथ साथ जो आपके ड्यूअल यूज गुड्स एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी वासेनार अरेंजमेंट में कंट्रोल करने की बात की गई। इतना सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया, साथ साथ इंडिया ने ये सब तो किया, इन तीनों का इंडिया हिस्सा है ही, साथ साथ हमने डोमेस्टिकली कहा है कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज की, जिसको कहा जाता है स्कॉमेट लिस्ट। स्कॉमेट का मतलब होता है स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटीरियल्स मटेरियल्स इक्विपमेंट टेक्नोलॉजीज। तो ये लिस्ट है जो हमारी सरकार निकालती है। इस लिस्ट में जो भी आइटम होगा, जो भी टेक्नोलॉजी होगी, उसको अगर आपको यूज करना है, एक्सपोर्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट से स्पेसिफिक लाइसेंस लेना होगा। तो ये एक अच्छी बात है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करना जरूरी है, ये बात सभी समझते हैं, पर एक बैलेंस्ड अप्रोच सरकार को लानी पड़ेगी, और जो भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज।